नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीडब्ल्यूसी के अभियंता राजेश कुमार ने बताया, ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। हरिद्वार में नहीं कर सकेंगे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर स्नान, आज और कल जिले की सीमाएं रहेंगी सील। उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया हुई शुरू, कर्फ्यू में होगी ढील, अब हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार हो जाएं तैयार, उत्तराखंड में 5 माह में 8,000 नियुक्तियों को ग्रीन सिग्नल। इस बार कोविड की वजह से उच्च स्तर पर उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षाएं ना कराने के लिए लिया गया निर्णय, बोर्ड के छात्र छात्राओं का रिजल्ट किया जाएगा घोषित। तो चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। दिन महीने साल गुजरते रहे और देश आधुनिकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कुलहाल ग्राम पंचायत धौलात तप्पड़ बस्ती के हालात जस के तस बने हुए हैं। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज भी बस्ती के लोग राह देख रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राथमिक विद्यालय नहीं है। कुलहाल से धौलातपड़ गांव जाने के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता है वो कच्चा है, जो बरसात के दिनों में कीचड़ से भर जाता है और लोगों को रास्ते में मुश्किल से चल पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं वन गुज्जरों का यह भी कहना है कि हमारा जंगल में जाने का परमिट भी कैंसिल करा दिया गया है, जिसके बाद धौलात तप्पड़ में रहने वाले लोगों के लिए जमीन दी गई थी। यहां रहते हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधाएं गांव को नहीं मिल पाई हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा मालिकाना हक से हमें वंचित कर दिया गया है। हमें अपने बच्चों के लिए अगर मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश भी करते हैं तो बिना जमीन दस्तावेज के हम वो नहीं बनवा पाते हैं, जिसके चलते बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ नौकरियों से भी वंचित रह जाते हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मैं संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनोद, इस वक्त विकास नगर के गाँव में तमाम मुश्किलें देखने को मिल रही है, वहां ग्रामीणों की क्या कुछ परेशानियां सामने आई है? जी अनुष्का, मैं आपको अगर बात करूं तो देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, और बात करूं अगर उत्तराखंड की तो उत्तराखंड को उदय हुए भी 20 साल के बाद भी आज जो है देहरादून जिले के विकासनगर तहसील क्षेत्र के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के धौला तप्पड़ के गुज्जर जो है आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, अपनी दुश्वारियां भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी करिंदा उनकी सुध नहीं ले रहा है। कई बार सरकार की उपेक्षा के साथ नाराज वन गुज्जरों ने अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किए हैं। मैं आपको बता दूं कि वन गुज्जरों की बस्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको ये भी बता दूं कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ इन वन गुज्जरों को नहीं मिल रहा है। इन वन गुज्जरों का आरोप है कि पिछले 50 वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थियों जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक उन्हें जिस जमीन पर वे पिछले 40-50 सालों से रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास नगर से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अभी एक गांव ऐसा मौजूद है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहां के लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वह उनकी मदद करे। तो चलिए रुख करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां नगला वासियों को कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस और उसे उजाड़ने की बात प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। इसके विरोध में नगला गोल गेट के सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 2 घंटे का धरना दिया गया। वहीं बारिश के चलते पैमाइश का काम पूर्ण होने से न होने पर प्रशासन के सभी विभाग, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, चेकबंदी, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने निशान लगाने का काम फिर शुरू किया। गोल गेट पर कांग्रेस के द्वारा धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नारायण बिष्ट के द्वारा किया गया। ऐसा है कि हमारा ये कहना है कि ये नगला सन 58 से यहाँ बसा है, और बसा है तो 58
से यहाँ लोग से उनके पास अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, इसी सारी फैसिलिटी है और आज उजाड़ने के लिए ये प्रयास किया जाए। तो हमारा ये कहना है इस नगला को बसाओ और सड़क अगर चौड़ीकरण होती। देखिए जो नगला के जो उजाड़ा जा रहा है, तो हमारी न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, हम लोग नगला को बचाना चाहते हैं। हमने माननीय न्यायालय से भी अपील की है, जनता से भी अपील की है, एक दो टोटे के लिए इनको ना उजाड़ा जाए और इनके साथ हैं, हर संघर्ष के साथ खड़े हैं इनके। और हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, जिला प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं, कल मैं डीएम दफ्तर के बाहर बैठ रहा हूँ धरने पे कि किसी सूरत। रुड़की में कई संस्थाओं ने मिलकर निशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाबी कल्याण महासभा और समर्पण जन कल्याण समिति की टीम मौजूद रही। शेखपुर रोड स्थित कार्यालय पर लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में 45 साल के ऊपर के लोगों को पहली और दूसरी डोज दी गई। कैंप के उद्घाटन समारोह में भाजपा नेता संजय अरोड़ा ने बताया कि आज कोविड महामारी का लोग शिकार हो रही है। देश प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है ताकि लोग इस महामारी की चपेट में आने से बचे। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने अनेक लोगों को असमय मौत के आगोश में सुला दिया। इस महामारी के चलते अनेक लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। संजय अरोड़ा ने सभी लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। पंजाबी महासभा की तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम हर हफ्ते 2 बार जगह जगह पे लगा रहे हैं। रुड़की में हम अनुरोध करते हैं कि रुड़की की जनता भारी संख्या में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए केंद्रों पे आए जहाँ जहाँ वैक्सीन लग रही है। अब हमें कोरोना की लड़ाई आधी तो जीत ली है, इसे 100% जीतने के लिए हमें सारी जनता को एक्टिव और उनको पंजाबी कल्याण महासभा रुड़की विकास मंच समर्पण जन कल्याण समिति रुड़की एम्पैथ लैब और हमारे जो आज यहाँ जिस ऑफिस पर रखा गया है ये प्रिंसिपल साहब हैं राकेश चौधरी जी और उनके बेटे हैं विदू, तो उनके ऑफिस में हमने आज ये रखा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के डॉक्टर यूनिस चौधरी सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 2022 में काफी मजबूती के साथ पूरे उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास किया जाएगा। सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह पर भ्रमण किए जा रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में इस बार जीत दर्ज की जानी है। उत्तराखंड की हर सीट पर आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी, जिससे कि दिल्ली की तर्ज पर भी उत्तराखंड में हम विकास कर सके। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की इस वक्त लहर चल रही है। सितारगंज के हमारे तमाम सम्मानित कार्यकर्ता और तमाम हमारे सम्मानित नेता, उन सबसे हमारी आज मीटिंग है और अभी हम उनसे वार्ता करेंगे। हमारा मकसद है कि आने वाले विधानसभा की 2022 में हमारी पार्टी को जो लोग पसंद करते हैं, पूरे प्रदेश में एक लहर है आम आदमी पार्टी की। हमारे तरफ से भी प्रयास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी में। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ में जिस प्रकार से कोरोना टेस्टिंग में 1 लाख लोगों की फर्जी रिपोर्ट का मामला सामने आया है, वो उत्तराखंड के लिए शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देवभूमि में जहां कुंभ हो रहा हो वहां इस प्रकार घोटाला हो जाए तो मैं समझता हूँ ये हम सबका दुर्भाग्य। और लाखों टेस्ट वहां हुए और करीब करीब 1 लाख टेस्ट जो है उसी के लिए फर्जियाँ निकल गए और लगभग अधिकांश जो जांच हुई है उसमें सबको निगेटिव निकाल दिया गया। तो इस तरह का फर्जी वाला वहाँ हुआ है, इसमें करोड़ों का खेल हुआ है और इसमें मैं समझता हूँ
अधिकारी तभी इस काम को कर पाए हैं जब सरकार की कोई शिकायत होगी। इसलिए इस काम में सरकार भी लिप्त है और अधिकारी भी लिप्त हैं। मेरी मांग है कि इसकी ठीक से जांच हो जाए और जांच में या तो सीबीआई जांच कराए सरकार अगर निष्पक्ष रूप से जाँच कराना चाहते हैं, अथवा हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के द्वारा जांच करनी चाहिए। अल्मोड़ा से ये मामला सामने आया जहां राज्य सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हमला बोला है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिनेश, जिस प्रकार से इस वक्त उत्तराखंड में कोविड टेस्ट का फर्जी घोटाले को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, ऐसे में अब इस मामले में राजनीतिकरण शुरू हो गया है। जी अनुष्का जी, ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि ये मामला सिर्फ घोटाले से ही जुड़ा नहीं है बल्कि इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो लोगों के जीवन के साथ भी एक खिलवाड़ की तरह है। तो ये मसला निश्चित रूप से आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मसले के रूप में तमाम विपक्षी पार्टियों का मसला बनने की उम्मीद रहेगी। इस प्रकार से इस वक्त देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ रवैया देखने को मिला है? जी, उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती है और इस तरीके की जिम्मेदारियों को, इस तरीके की बातों को यदि आता है तो जैसे कि विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि ये शर्मनाक भी है, तो राज्य की निष्ठा प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि यदि इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग भी इसके मामले में चिंतित रहेंगे और ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अल्मोड़ा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। तो चलिए अब रुख करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है लेकिन तीर्थ नगरी हरिद्वार में भारी बारिश के चलते गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। कहा जाता है कि आज के दिन ही माँ गंगा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर उतरी थी। माँ गंगा का आगमन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि और हस्त नक्षत्र में हुआ था, तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के तौर पर मनाया जाता है। हर साल गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं लेकिन भारी बारिश और कोरोना के चलते इस बार कई घाट श्रद्धालुओं के बिना सूने दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड को सील किया गया है जिसकी वजह से वहां पर श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है। वहीं उज्जवल पंडित बताते हैं कि आज के दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य का काफी महत्व माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा गंगे पियो प्रिया योजना नाम सतेति मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सदक्षति, अर्थात जिस पवित्र भगवती गंगा का 100 योजन दूर बैठा हुए व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। ऐसी भगवती गंगा का अवतरण दिवस अर्थात जब मानव दर्शन मानव मुक्ति के लिए जब भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ वो ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं का ये पवित्र दिन, जिस दिन को सनातन परंपरावादी लोग, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग बड़े उत्साह उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो हरिद्वार से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां आज धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। फिलहाल श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है परंतु कोरोना के चलते बहुत कम श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंतजार, जिस प्रकार से हरिद्वार में आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में कोरोना महामारी के चलते प्रशासन किस प्रकार से वहां तैनात रहा, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज हरिद्वार में गंगा दशहरा के जो पर्व है उसे बड़े धूमधाम से मनाया गया है, लेकिन वहीं प्रशासन के द्वारा जो एसओपी जारी की गई थी कि जो भी बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनकी
जो भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो 24 घंटे पूर्व की उनके पास होनी चाहिए, तभी उन्हें हरिद्वार में जो गंगा घाट है वहां पर या हरिद्वार क्षेत्र में एंट्री दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इसी को देखते हुए जिला प्रशासन हरिद्वार और पुलिस कर्मी सुरक्षा एजेंसियां तमाम जो भी जिले की सीमाएं हैं बॉर्डर हैं सभी पर तैनात की गई हैं। गंगा घाट क्षेत्र में भी तमाम सुरक्षा सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। तो जिन लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट थी उन्हीं को जिले में प्रवेश कराया गया है। और यदि बात करें गंगा घाट की तो गंगा घाट इस वक्त बिल्कुल सुना दिखाई दिया है कि पूर्व की भांति यदि पहले गंगा दशहरा होता था तो गंगा घाटों पर इतनी भीड़ होया करती थी कि प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण यह स्नान होता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का प्रभाव इसमें देखने को मिला है कि जो गंगा का जो मुख्य घाट है ब्रह्मकुंड घाट है उसे बिल्कुल सील कर दिया गया है और किसी भी श्रद्धालु को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। और अन्य जो आसपास के लोग हैं जो आसपास के श्रद्धालु हैं उन्हीं के आसपास के घाटों पर उन्हें चुनिंदा तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुलिस की निगरानी में स्नान कराया गया है और इस गंगा दशहरे के महापर्व को मनाया जा रहा है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इंतजार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां आज गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से आयोजित किया गया। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार ने विकास भवन सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार समीक्षा बैठक की। उन्होंने विधानसभा वार अपूर्ण घोषणाओं के संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए घोषणाओं पर कार्य प्रगति कार्यवाही को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इस बात को गंभीरता से लेना वो सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा मांगी गई निर्धारित पत्रक पर रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। गढ़वाल जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम जिले की हर घटनाओं पर पल पल की जानकारी ली जा रही है। इसी के साथ ही बारिश की वजह से बंद होने वाले मार्गों को दोबारा शुरू कराने के लिए टीमें मुश्तैदी से काम कर रही हैं। बारिश के चलते अब तक करीब 47 मार्गों पर आवागमन बाधित हो चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि जनपद में लगातार हो रही बारिश से श्रीनगर पौड़ी तथा धूमाकोट तहसील में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलकनंदा बांध के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। जनपद में भारी बारिश के चलते 21 स्थानों पर भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसे तत्काल जेसीबी की मदद से दोबारा शुरू कराना चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्त तहसीलों में पीडब्ल्यूडी द्वारा जेसीबी मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। उत्तराखंड में कोरोना के चलते 20 जून को हरिद्वार गंगा दशहरे को स्थगित कर दिया गया है और उत्तराखंड की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते देवभूमि प्रवेश द्वारा भगवानपुर थाने के मंडावर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य की गई, उसके बाद ही उत्तराखंड प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी गई। गंगा दशहरा के स्नान को लेकर बॉर्डर पर बिना जांच के आ रहे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को मंडावर बॉर्डर से वापस भेजा गया, जबकि सरकार ने गंगा स्नान को स्थगित कर दिया है। उसके बाद भी मंडावर सीमा पर हजारों की संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को सीमा से ही वापस लौटा रही है। जन करनी है जिनको हिंदू धर्म में फूल माना फूल बोला जाता है, उन बंदों को कोरोना रिपोर्ट आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखने के बाद अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो उनकी एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद एंटीजन टेस्ट होने के बावजूद जाने दे रहे हैं, बाकी सील बंद है बॉर्डर, उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं। भगवानपुर से ये मामला सामने आए हैं। आपको बता दें कि आज गंगा दशहरा का पर्व है, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि बाहरी यात्रियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। आपको बता दें कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को तभी अनुमति दी जाएगी जब वह 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। वहीं ऐसा न करने वालों को तत्काल बॉर्डर से वापस भेज दिया जाएगा। इसी कड़ी में भगवानपुर में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसने वाहनों की चेकिंग की, साथ ही यात्रियों की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट्स भी देखी गई। जिनके पास रिपोर्ट्स नहीं मिली उन्हें बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि भगवानपुर में जिस तरीके से चेकिंग अभियान चलाया गया उसके बाद
बॉर्डर पर वाहनों की काफी तादाद देखने को मिली, जहां पर लोग प्रशासन की तैयारियों के बीच में मौजूद थे। आपको बता दें कि भगवानपुर पुलिस लगातार इलाके में मुस्तैदी बनाए हुई थी और लोगों की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच कर रही थी। तो भगवानपुर में फिलहाल यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि देवभूमि प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। गंगा दशहरा का पर्व आज मनाया जा रहा है, ऐसे में सरकार ने कोविड के चलते इस स्नान पर रोक लगा दी है। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर गंगा स्नान के मौके पर हरिद्वार आने वाले यात्रियों का जमावड़ा लग गया है, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर जाम में यात्रियों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से सभी लोग जाम में घंटों फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा पर गाड़ियों को कुछ सेकंडों के लिए ही रोका जा सकता था, लेकिन यहां का नजारा कुछ और ही था। वहीं एक ओर जहां फास्ट ट्रैक को लेकर बड़ा दावा किया जाता है कि इस सुविधा को लेकर आपको टोल प्लाजा पर क्रॉस न होने को लेकर इंतजार नहीं करना होगा, वहीं इस कॉलम की धज्जियां उड़ाते हुए भी बहादुराबाद टोल प्लाजा में लोग देखे गए। आपको बता दें बहादुराबाद टोल प्लाजा पर घंटों जाम में लोग फंसे रहे और दिन भर जाम की स्थिति ही बनी रही। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहादुराबाद में जिस प्रकार से टोल प्लाजा में वाहनों की भीड़ देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? जी अनुष्का, मैं आपको बता दूं जो ये मामला है ये बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा का है, जहां जो गाड़ियों का जो जमावड़ा था, जो भीड़ थी, एक जाम का रूप ले लिया और घंटों रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती रहीं, लोग बिलखते रहे, जाम में फंस गए बुरी तरीके से। मैं आपको बता दूं कि जो फास्टैग का जो नियम लागू किया गया है कि प्रत्येक गाड़ी के ऊपर फास्टैग होना अनिवार्य है, अन्यथा जो टोल है उस पे जो कैश पेमेंट है, कैश में आपको डबल पेमेंट चार्जेस करना पड़ेगा। तो लोगों ने फास्टैग का ये यूज भी किया है, लेकिन फास्टैग का यूज होते हुए भी लोगों ने, जब लोगों को घंटों जाम में जूझना पड़ा, जाम में फंस गए लोग, तो वहीं एक तरफ घंटों जाम में फंसने के बाद लोग फास्टैग का यूज कर रहे हैं और उन्हीं घंटों में लोग जाम में फंसने के बाद कैश पेमेंट में डबल पेमेंट टोल प्लाजा को पे कर रहे हैं। तो इस ओर जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या जिला प्रशासन है, उसको इस ओर जरूर ध्यान देना होगा कि लोग फास्टैग का यूज भी कर रहे हैं और फिर भी जाम में फंस जा रहे हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि यदि आपके पास फास्टैग गाड़ी पर लगा है तो आपको चंद सेकंडों के लिए जो टोल पर वेट करना होगा, अन्यथा आपको टोल फ्री निकलना होगा वहां से। लेकिन यहाँ इस तरह कुछ दिखाई नहीं दी। और मैं आपको बता दूं जो लोग हैं, जो हरिद्वार से लोग यात्री यहां पर आ रहे थे, जो गाड़ियों का जो जमावड़ा, झुंड और जाम की स्थिति ऐसी हो गई, यदि कोई एम्बुलेंस या कोई बीमार व्यक्ति यदि इस बीच में फंस जाता तो शायद जी इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहादुराबाद से आपको खबर बता रहे थे, जहाँ आज पूरे दिन टोल प्लाजा पर भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद वहां जाम की स्थिति बन गई। सिडकुल रोड पर ग्राम बरुआ बाग से गुजरने वाली सिंचाई नहर में फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी छोड़े जाने के कारण नहर का पानी जहरीला हो गया है। नहर में मिले केमिकल युक्त पानी से जगह जगह पर झाग बन गए हैं। आपको बता दें इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने इस प्रदूषित जल से खेती और जीव जंतुओं को खतरा बताते हुए अपना विरोध व्यक्त कर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की। सितारगंज से सिसोना के सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द केमिकल युक्त पानी को रोका जाए और कंपनियां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध पानी की नहर छोड़े। ये जो आप लोग देख रहे हैं आज, ये केमिकल युक्त पानी जो कि सिडकुल कंपनियों से बहता हुआ सिसोना, सितारगंज सब जगह जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, आखिर इस केमिकल युक्त पानी को यहाँ के जानवर, यहाँ के भैंस, जो भी जानवर विजन्मी हैं, उसके बाद खेतों की सिंचाई इसी पानी से होती है। शासन का इतना अंधा प्रशासन हो चुका है कि ये चीज नहीं दिख रही है। इसके 5 से 6 साल हो गए, हर बार इस भाग के मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने कई बार मामले की शिकायत की, परंतु अधिकारी
वहीं से खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिट्टू अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिट्टू, जिस प्रकार से सितारगंज से ये मामला सामने आया है जहां नहर में इस वक्त केमिकल युक्त पानी बह रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मैं बताना चाहूंगा, सितारगंज की सिटकुल रोड में ही सितारगंज स्थित सिटकुल कंपनियां हैं जहां पे ये रोड जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से बिसेला पानी यानी दूषित पानी निकलता है। जो ये पानी जो जिंदल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा मतलब इसको शुद्ध करके पानी बाहर निकालने के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो जहरीला केमिकल युक्त पानी होता है उसको नदी नालों में छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन जो सिंचाई होती है उसमें सिंचाई में फसल बर्बाद हो जाती है। मवेशी पानी पी लेते हैं, वो भी कई बार बीमार होकर मर चुके हैं। उसके बाद कई लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों से कान तक भी ये बात जू नहीं रह पाती है। और उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता हरजिंदर सिंह, जिन्होंने इसकी चीज के देखा और इसमें नाले में देखा जाए तो काफी केमिकल द्वारा पानी के जो है जिससे काफी ऊंचे झाग के ढेर बन गए थे, और कई बार शिकायत करने के बाद भी ये इस चीज पर अभी कोई खास ज्यादा अमल दे नहीं रहे। इसके लिए उप जिला अधिकारी को संज्ञान में मामला डाला गया, फैक्ट्री के लोगों से भी इस बारे में कहा गया है, लेकिन अभी तक किसी चीज के कोई भी मामला इन्होंने संज्ञान में भी लिया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। सितारगंज से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां नहर का पानी इस वक्त प्रदूषित बना हुआ है। लक्सर क्षेत्र के महाराजपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि महाराजपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके साथ ही जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। 8:30 बजे हमारे पास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में जो है एक महिला नीतू जो है उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमारी चौकी प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी और मैं खुद मौके पर पहुंचा हूं। प्रकरण ये सामने आ रहा है कि जो मृतका है उसकी हत्या जो उसके पति है अर्जुन है उसने कर दी है, और हमने इसको हिरासत में ले लिया है, और जिस वेपन से हत्या की गई है वो भी हमने कब्जे में ले लिया। उत्तराखंड में लगातार बरस रही आफत ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गंगा भोगपुर तल्ला का मोटर मार्ग कट कर बह गया। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। गंगा से सटे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब दहशत में है। ताजा तस्वीर यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर तल्ला ग्राम सभा की है, जहाँ पर गंगा के तेज बहाव में गंगा का संपर्क मोटर मार्ग कट कर बह गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की ओर जाने के लिए एकमात्र सड़क थी जिससे आवाजाही होती थी, लेकिन अब सड़क के बह जाने से कुछ और सकरे और जंगलों के बीच से जाने को ही उनके पास विकल्प बचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सजवान है। अच्छा, अभी बारिश की वजह से कितनी दिक्कतें यहाँ हो रही है? अभी लगभग आप देख रहे होंगे कि वीडियो में आप बना के देख रहे होंगे कि 2013 में आई थी बाढ़, और उसके बाद लगभग 400-500 मीटर अंदर थी गंगा। अभी 400-500 मीटर अंदर आ चुकी है और एकमात्र सड़क जो है ये है। इसके बाद अगर ये भी टूट गई तो शायद गांव में जाने के लिए छोटे मोटे रास्ते हैं जो बारीक बारीक है, जहाँ से फोर व्हीलर तो जा नहीं सकता। अभी 2013 के बाद आज तक किसी ने यहाँ देखा नहीं कि गंगा में। अल्मोड़ा में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का कहर जारी है, जिससे अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। अब तक 24 घंटों में नगर में 79 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। नगर के कई इलाकों में 19 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही, वहीं कई घरों में भारी नुकसान पहुंचा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी और ईओ श्याम सुंदर प्रसाद ने प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर जानकारी ली। जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और इसके लिए यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। हमारी जेसीबियां जो भी मोटर मार्ग हमारे बंद हो रहे हैं उसको तुरंत खोल के यातायात बहाल कर रही है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी संदेश लोगों को देना चाहूंगा कि क्योंकि बरसात का मौसम है, नदी नालों के किनारे न जाएं, नदियों से दूरी बना के रखें तथा जितना हो सके अपने घर के आसपास पानी का बहाव नियंत्रित रखें, पानी को इकट्ठा न हो। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिनेश, इस वक्त अल्मोड़ा में आफत की बारिश हो रही है, ऐसे में वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जी अभी तो शाम को थोड़ा सा मौसम थोड़ा खुला है और थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी दिखाई दी है और हालात थोड़ा सा सामान्य है। तो अभी थोड़ा राहत की सांस ली है नगरवासियों ने, ऐसी बात नहीं है। और पिछले दिनों तो बहुत घटनाक्रम, कल तक बल्कि आज शाम तक 5 बजे तक बारिश बहुत लगातार बारिश रही है।
इस दौरान हमारे जिला नगर पंचायत अध्यक्ष जी ने भी अपनी टीम के साथ लोगों के जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ जाके निरीक्षण किया और थोड़ा आश्वस्त किया लोगों को कि भविष्य में जल्दी इस पर काम किया जाएगा जैसे ही मौसम ठीक होगा। दूसरा, आपदा प्रबंधन अधिकारी जी से भी बात हुई थी जिनकी 22 इसमें है, वो आप उन्होंने भी कहा है कि लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है, पानी के आसपास नदी में इधर उधर न जाएं इस तरीके की है, और ये बताया है कि JCP लगाई हुई है उन्होंने जगह जगह ताकि रास्तों को जल्दी से जल्दी खोला जा सके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अल्मोड़ा से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ इस वक्त बारिश कहर बनकर लोगों पर टूटी हुई है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।